श्री हर कृष्ण मना भोरी तेग बहादुर परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला तरों तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदों बार बार जगदी एकंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहे गुरु फतेह है बेगन बिनाशन सोए वाहे गुरु जे की फतेह है बेगन बिनाशन सो दोहरा शीत गुर महाराज प्रभ सुनिए एक हमन करन अर बलि में संचय बने तिति का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जोगो जोगा टल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पवित्र चरण कमलां च सज बैठी जुड़ बैठी गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो नेता प्रति गुरु चरणा च जुड़ के कलगी धर पंथ दे वाली चिट्टियां बहादुर दे गुर तेग के धनी सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा बहुत ही अदब सत्कार और श्रद्धा सहित आप जी सरवण कर रहे दयानिध स्वामी केशोदास पंडित का एक पखंड पाज वो गेड़ना चाहते एक गल साड़ी सिमृति है गुरु गुरु नानक साहब के घर में दो चीज़ों का खंडन मिलता है जिस दा पुरजोर विरोध सतगुरु कीता है उहदे विच एक है जुलम ते दूसरा है पखंड जिथे जुलम होया उत्थे आवाज बुलंद कीती है जिथे पखंड हुंदा उदास पंडित उस वेले बड़ा पंडित सी बनारस दा रहण वाला है इहदे प्रति लोकां विच ए प्रचलन सी कि इसने देवी सिद्ध कीती कर सकदा चंडी प्रगट कर सकदा देवनेत श्री आनंदपुर साहब महाराज जी नाल इहदा मेल होया कलगीधर ने केशोदास नाल गलबात कीती कहन लगा जी मैं कर सकदा पर उहदे वास्ते खर्च बहुत होवेगा उहदे लई समगरी बहुत चाहीदी है कलगीधर जी ने आख्या केशोदास जी जो तुसी समगरी कहोगे जो दक्षिणा कहोगे असी उसे तरह करांगे पर वेख्यो कि कल नू ए ना कह दिओ
कि जी एक कमी रह गई सी तां चंडी प्रगट नहीं हुई, अपने वालों पूरी तसली कर लियो। तो सारी विद महाराज जी रच रहे ने, क्योंकि चंडी नूं तां मेरे सतगुरु कलगीधर ने प्रगट करना, पर इदां दे जिहड़े लोग कुछ दावा करदे सन, इन्हां दे दावे किन्ने फोके ने, अगे तुसीं सुणोगे कथा दे विच भी किन्ने इन्हां ने पखंड कीते, दंभ कीते, किन्नियां किन्नियां बातां गल्लां कहियां। गुरु पातशाह ने जिवें इन्हां ने कहा तिवें उह प्रगट कीता कर दिता, पर मुड़ के अखीर नूं इहनूं भजणा पिया जदों उत्थे चंडी प्रगट ना होई। वह सारी कथा का प्रसंग समय समय नाल आप जी सरवण करोगे। केशोदास महाराज गुरु कलगीधर जी दे नाल जिवें वार्तालाप कर रहा है, वो कथा महाकवि कविराज भाई साहब भाई संतोख सिंह जी लिख रहे ने। यह कथा केवल भाई संतोख सिंह जी ने नहीं लिखी, इहदे तो पहला गुरबिलास विच जो भाई साहब की कथा लिखण तो पहला लिखिया गया, उहदे विच गुरबिलास विच इहदा जिक्र आ चुका है। जो पुरातन सो साखी है उस सो का जिक्र आउंदा। आओ मन विरतियां एकागर करिए कलगीधर जी दे चरणां विच, अपना ध्यान केंद्रित करिए, क्योंकि सतगुरु दीवान देव ने करोड़ा देवियां कोटक देवियां मेरे सतगुरां दे चरणां विच हाजिर रहिंदियां। कोट दुर्गा जाके मर्दन करै, पर सतगुरु जी जिस देवी की गल करते ने अपनी बाणी चंडी चरित्र विच दसम ग्रंथ साहब विच, वो अकाल पुरख की शक्ति की गल करते ने जो रूपमान नहीं है पर फिर भी सारे जगत की उत्पत्ति करती। उहदे बारे महाराज जी के बचन ने मात भगवती पिता अकाल पुरख। महाराज जी कहिंदे साडी माता भगवती अकाल पुरख की जिहड़ी शक्ति संसार नूं पैदा करन वाली, और साडे पिता अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जी ने। बचित्र नाटक विच भी गुरदेव ने इहदा जिक्र कीता है। आओ अगर करिए सतगुरु जी दे चरणां विच ध्यान केंद्रित करिए, क्योंकि गुरदेव अकाल पुरख की उस शक्ति की साधना विच जुड़े ने जिहड़ी शक्ति नूं वेख के महाराज जी कहिंदे उसे तो बल लै के राम ने दस सिरां वाले रावण का वध कीता। उस शक्ति तो ही बल लै करके कंस ने, कृष्ण जी ने कंस नूं केसां तो पकड़ के सुट्टिया पछाड़िया। जदों भगौती की वार महाराज जी लिख दी तो मुढ़ विच ही कह देंदे ने तैथों ही बलराम लै नाल बाणा दह सिर कहाया, तैथों ही बल कृष्ण लै कंस केसी पकड़ गिराया। ये गल नूं अपनी सिमृति विच जरूर कि हिंदू वीर मनदे ने जिस देवी नूं, खालसे की जिहड़ी देवी है उहदा जमीन असमान का फर्क है। असी उस नूं देवी चंडी कह के आराधदे हां जो परमात्मा की शक्ति है, अकाल पुरख की शक्ति है, और वो तलवार के रूप के विच सिख दे गात्रे च सजदी है। तलवार के रूप के विच भी वो सिख दे गात्रे विच सजदी है। वो भगौती है, प्रचंड शक्ति है, जिस नूं गुरदेव ने खंडा प्रथमै साज कह जिन सब सह सार उपाया कहा ना, कि अकाल पुरख ने सब तो पहला खंडा का मतलब हुंदा शक्ति, जो शस्त्र के रूप के वाहिगुरु ने साजी है बनाई है, फिर उस तो बाद संसार सिरजिया। खंडा प्रथमै साज कह जिन सब सह सार उपाया, ब्रह्मा विष्णु महेश साज कुदरती दा खेल रचाए बनाया, सिरजे दानो देवते तिन अंदर बाद रचाया। वो जो खंडा बन के संसार दे विच प्रगट हुई है अकाल पुरख की शक्ति, कलगीधर पातशाह जी उस नूं अपने चिंतन च लिया रहे ने। उसे खंडे की धार तो खालसे पंथ की साजना हुई है,
ते पंथ दी साजना तो पहलां दा इह सारा प्रसंग है। आओ मन बिरतियां एकागर करके कलगीधर जी दे चरणां विच आपणियां हाजरियां लवाईए। समूह माई भाई आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, दोहरा श्री सतगुर महाराज प्रभ सुनिए हेत जितेक। पंडित केशोदास सतगुरु कलगीधर जी नूं कहण लगा, सतगुरु जी हे महाराज जी सुनो, जिस प्रकार नाल देवी प्रगट करन लई चंडी प्रगट करन लई विधि विधान है जो मैं जानदा हाँ, जिस बारे शास्त्रां विच धर्म ग्रंथां दे विच अनुवाद है ओ मैं आप जी नूं दसदा, आप जी सुनो। हमन करन अर बली मैं संचय बने तितेक। कहण लगा गुरु जी देवी नूं प्रगट करन लई हवन करना पैंदा, ते हवन दे विच बहुत कुछ पाना पैंदा, हवन विच बहुत समगरी पानी पैंदी है, और उहदे लई बहुत सारा संचय दा मतलब हुंदा वी जो समगरी चाहीदी हुंदी है वह अणगिणत ही हुंदी है, उहदे विच बहुत ज़्यादा समगरी जिहड़ी आ इकट्ठी करनी पैंदी है, बहुत सारे विधि विधान ने जिहड़े उह करने पैंदे हन। चौपाई प्रथमे कनो दरबई चाहिए। हुण इहदा लालच भी झलकण लगा केशोदास दा, जो लालच सी लोभ सी, कहण लगा जी चंडी नूं प्रगट करन वास्ते सब तो पहली जिहड़ी जरूरत है वह है पैसों की, धन बहुत चाहिए, पैसा आवेगा जिहड़ी समगरी आउणी है बड़ी महंगी आउंदी जो हवन कुंड च पाउणी है, उहदे लई सब तो पहला तो बहुत सारा धन चाहिए है। जिस ते सब कारज निर्भय है, ये सारे कारज तो पैसे नाल ही निभणे ने, धन होवेगा तां ही सारी समगरी आवेगी, हवन होवेगा जिहड़ी साडे पंडतां दी दान दक्षिणा वह भी धन नाल तुसीं दिओगे, असीं तां ही मंत्र पढ़ांगे। वेखो कित्थे बिरती टिकी हुई है, हालांकि देवी प्रगट करन लई धन दी जरूरत नहीं, जो चंडी नूं प्रगट करन वास्ते दा इदा जे धन दे नाल ही चंडी प्रगट हुंदी, धन दे नाल ही देवी प्रगट होनी हुंदी, तो दुनिया में जिन्ने भी धनवान शाहूकार लोग ने पैसे वाले वह तो फिर सारे चंडी नूं प्रगट करके अपने कोल रखते, जेडे साधक ने वह तो कर ही ना सक। खैर ये जी जाहर हो रही भाई साहब नाल नाल विखा रहे ने, कहन लगा जी सब तो पहला तो बहुत सारा पैसा चाहिए, धन चाहिए जिहदे नाल समगरी मंगाउणी है, बहुत सारी समगरी उहदे विच लगनी है। लाख आउती दे बेहेत, लखां ही प्रकार दीयां समगरियां हुंदियां ने जिहड़ियां आहूती विच देणियां पैंदियां ने, उहदे विच लख प्रकार दी ही उह समगरी आउंदी है। मोल समगरी ले तन देत, उहनूं जिन्नी समगरी है उहनूं खरीदण लई बहुत सारा तन दे के उह मुल खरीदियां जांदियां ने। लाखों की गिनती तब होए, गुरु जी लखां रुपयां दे हिसाब नाल पैसा लगेगा उत्थे मैं तुहानूं पहलां दस दिआं, लखां रुपए की गिणती दे पैसे उत्थे लगणगे। सदै हजारन ते नै सोए, क्योंकि यह काम लखां रुपए के हिसाब नाल होना, कल नूं तुसीं कहो भी जिथे लख लगना उत्थे हजार ला के काम सार लीए, नहीं सरना, हजारां रुपया नाल नहीं यह काम सिद्ध होना, इस देवी नूं प्रगट करन लई चंडी नूं प्रगट करन लई लखां रुपया लगेगा। पुन छत्री शुद्ध सब बिद जानो, फिर छत्री जिसने कराउणा वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। निरपै आदि गुण मैं जिस मानो, उहदे विच निरपैता आदिक जिहड़े गुण ने होने चाहिए ने, जिसने हवन कराना है जां जिसने चंडी प्रगट कराउणी है, गुरु जी तुसीं कराउणी है
पर जिसने करवानी होंगी उहदे लई भी कुछ वह बिल्कुल शुद्ध ते पवित्र होना चाहिए। दूजा उहदे च निरभयता का गुण होना चाहिए, वह निडर होना चाहिए, वो अंदर डर ते भौ ना होवे। जब ते हमन करन लग परे, और जदों तो चंडी प्रगट करन लई हवन करन दी असी विधि करांगे, जिस दिन तो हवन दी प्रार्थना होवेगी, तब ते नेम बिखम सब तरे, उदों तो बड़े कठिन नेम ने वो पालने पैणगे। जिसने हवन करवाना या जिसने चंडी प्रगट करवानी है उन्हू बड़े करड़े नेम जेडे ने वो करने पैणगे। उस दिन तो ब्रह्मचर्य ते आदिक जे, उन्हां विच्चों एक सब तो करड़ा नेम यह भी है भी ब्रह्मचर्य की पालना करनी पवेगी। जे चंडी नू प्रगट करना उहदे ब्रह्मचर्य जेड़ा सब तो पहला गुण है जेदी पालना करनी पवेगी। मन दृढ़ राख ना डोलन दे, और मन नू दृढ़ करके रखना, मन नू किते डावा डोल नहीं होन देना। सर्ब रखीक जीत कर रहे, और अपने शरीर दियां सारियां इंद्रियां नू काबू करके रखना, अपनिया इंद्रिया दे उत्ते कंट्रोल करके रखना है। सोने ना बो किच मुख ने कहे, और जदों इंद्रिया ते काबू करना उहदे विच ना तो बहुतियां गल्लां करनियां ने किसे नाल, ना किसे दे नाल जाके बह के किसे दियां गल्लां सुननियां ने, यानी कि चुप्पी साधनी है। बहु प्रकार नाल ना किसे नाल बहुता बोलना, ना किसे दी कोई गल बात सुननी है। संजम मैं तन मन को राखे, और अपने तन ते मन नू बड़ी संजम विच मर्यादा विच रखना पैंदा है। एक आराधन मैं अभिलाखे, बस एक आराधना दे विच अपने मन नू जोड़ना है, और एक नू आराधन दी अभिलाखा रखनी है। अब कल युग को काल कराला, गुरु जी हुण कलयुग का समय बड़ा भयानक ते बड़ा महाखौफनाक समय कलयुग का। नै मन सुधरे धरे बिकाला, इहदे विच कलयुग दे समय विच मन किथे सुधरदा है, मन किथे अडोल रहिंदा है, इहदे विच कोई ना कोई फुरना जां किसे ना किसे प्रकार दी जिहड़ी विकृत विरती है, विकराला दा मतलब हुंदा वी टेढ़ विरती जिहड़ी है विकारां वाली, उह सुते सिद्ध बन जांदी है। पूजन करावन हारे, कहण लगा जी जिसने पूजा करवानी है और जिसने पूजा करनी है दोवें, यानी कि मान लो तुसी देवी प्रगट करना चाहुंदे हो कराना चाहुंदे हो और मैं उहदे विच पूजा करन विच हवन करन विच बैठना है, तुसीं कराउण वाले हो मैं करन वाला हाँ, जिहड़ा पूजा करन ते कराउण वाले हन दोनों नेम निरभाए सारे, दोनां नूं नेम निभाउणे पैणगे, मैनू भी और तुहानूं भी, दोवें ही पूरे नेमी होने चाहिए ने। यह संयम ब्रह्मचर्य की मर्यादा दोनों ने रखनी है। सतयुग त्रेता द्वापर माई, महाराज इदां दे बंदे तां सतयुग विच त्रेते विच ते द्वापर युग विच सुगम चंडिका दर्शन नाई, उदों भी नहीं सी, यानी कि इदां दी जिहड़ी चंडी नूं सुगम करके दर्शन करन वाले सतयुग त्रेते ते द्वापर विच भी नहीं सन। अब कली काल पर बिरते उपारी, ते हुण तां महाराज कली काल दा समा बड़ा भयानक हो के प्रवृत्त हो रहा है। भई पृष्ठ बहु सृष्टि सारी, ये सारी सृष्टि सारी धरती इस वेले भ्रष्ट हो चुकी है, लोक भ्रष्ट चुके हन, आबो हवा भ्रष्ट चुकी है। तज तज मृत्यु लोक सुर सारे, और जितने भी देवते ने वो सारे इस मात लोक दी धरती नू छड़ के मेर आद गिर बिखे पदारे, सुमेर पर्वत वर्गे उच्चे उच्चे पर्वत ने जिथे मनुख दी पहुंच नहीं है उथे चले गए ने बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी। गोरख आद सिद्ध जग फिरते,
ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਭਿਖ ਅਧਰਮ ਕੋ ਅਬ ਨਾ ਵਿਚਰਤੇ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਯਾ ਤੇ ਬਹੁ ਦੋਸਾ ਦਿਆ ਦੇਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਦਰਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਏ ਅਪੇਵੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਧਨ ਕੀ ਸੁਨੋ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਸਕੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਰਸਾਇਣ ਕੋ ਜੋ ਬਣਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਰਸਾਇਣ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਮ ਟਿਗ ਰਾਜ ਨਾ ਆਵਨੀ ਕੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਕਰ ਆਵੇ ਦਰਬ ਕਨੇਰਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਵੇ ਧਨ ਆਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਤੇਜ ਤਪ ਰਿਹਾ ਵਿਸਾਲਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੋ ਕੇ ਤਪ ਰਿਹਾ। ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਪਾਪ ਕੁਚਾਲਾ। ਹੁਣ ਪਾਪ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੈੜੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਦ ਬਹੁਤ ਬਿਖਮ ਹੀ ਜਾਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਖਮ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ਼ਕਤ ਤਰੋ ਤੁਮ ਚਾਹੋ ਮਾਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਸੁਣ ਕਰ ਦਇਆ ਰਾਮ ਤਬ ਬੋਲਾ। ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਹਟਿਆ ਨਾ ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਰੂਕੁਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਜੀ ਜੋ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕੁਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ। ਇਹ ਬੋਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਪ੍ਰਭ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਚਿੱਤ ਰੱਖੋ ਅਡੋਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਨੇਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੰਡੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਤਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਧਨ ਕੀ ਕਮੀ ਨਾਇਨ ਕੋ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਧਨ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖਲੋਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਗਲੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਤਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਧਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਰ
पारस ही होई। तू कहना भी आज दे समय च रसायण कोई नहीं, इन्हों का हाथ ही पारस है। जे मिट्टी नू भी हाथ लाउंदे आ ते वह भी सोना बन जाती है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जे मिट्टी नू भी हाथ लाउंदे आ ते वह भी सोना बन जाती, इन्हों का हाथ ही पारस है। हाँ जी, छतरी शुद्ध महान महाने। फिर तू पुछया सी के गुरु जी जेड़ा छतरी बड़ा शुद्ध ते पवित्र होवे ओ यज्ञ करा सकदा, ते ए छतरी भी ने। और जितनी संसार दी पवित्रता है पूरे विश्व दी, ओ सारी पवित्रता इना दे ही चरणा दे विच्चों दी जाके संसार च फैलदी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। तू कहना ना भी पवित्र होना चाहिए, छत्री शुद्ध होना चाहिए। एदा सह कह सकते हैं भी पूरे विश्व भर की जितनी शुद्धता ही है देवत्या की, वह भी शुद्धता ही है ना, पवित्रता ही, वो सारी इन्हां दे विच्चों ही संसार दे विच फैलती है। हाँ जी, प्रथम युगन ने इने समाने। सतयुग त्रेते ते द्वापर विच बड़े बड़े छत्री होए ने धर्मी शुद्ध ते पवित्र, पर ओ छत्री भी इना दे बराबर नहीं ने। ये सारिया तो श्रेष्ठ, सारिया तो श्रोमणी ते सर्वोत्तम ने। हाँ जी, सूरज बंस बिखे जनमए। ये सूरज बंसी ने, सूरज बंसी का मतलब सूरज दे समान। वैसे दो बंस मने जाते संसार च, सूरज बंसी चंद्र बंसी। ये सूरज बंसी तो भाव यह है कि सूरज दे समान करन वाले ऐसे हन जिसमें महातनुर तर थिए। सूरज बंसी जेड़ा होया हिंदुस्तान विच, ओदे च बड़े बड़े तनर धारी, बड़े बड़े शस्त्र धारी होए ने। राम चंद आदिक बलवंते। इन्हां चो सूरज बंसियां चो एक भगवान रामचंद्र जी होए बड़े बलवान। रघु दलीप नृप सागर पनंते। राजा रघु, राजा दलीप, जिन्ने भी सारे सूरज बंसी कहे जांदे ने। इंद्र है जित इनको ना समाना। वो जिन्ने भी ने, चाहे वह श्री राम ने, रघु ने, दलीप ने, वो सूरज बंसी छत्री कहे जांदे ने। उन्हां विच्चों कोई भी इंद्रिया जित, जिवें कलगीधर ने ना इंद्रियां नूं जितण वाले, उन्हां चो जिहड़े सतयुग त्रेते द्वापर च होए ने, उन्हां विच्चों कोई भी इन्हां दे बराबर नहीं है, समान नहीं है। को हर समान नहीं राजा, गुर जैसा नाही को देव। गुर जैसा नाही को देव, साढ़े सतगुरां वर्गा कोई नहीं। ये सब तो श्रोमणी ने। गुर जैसा नाही को देव, 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 गुर जैसा नाही को देव। जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। साडे गुरु जिहा नहीं है कोई। जितने सूरज बंसी होए ने पहला, रघु, दलीप, श्री रामचंद्र, ये सब तो श्रोमणी हैं, ये सब तो सर्वोत्तम ने। कलगीधर जी गिनिए कौन महान माना। केड़े वड्डियां वड्डियां महान तो महाना की गिनती करिए, जेड़े पहला हो चुके ने छत्री सूरज बंसी, किना महान तो महाना की बात करिए। चतर पुत्र हित चारों बारी। फिर तुसी ब्रह्मचर्य की बात कही है। कलगीधर जी दे चार साहिबजादे ने, चार पुत्रां दी, चार पुत्रां दे लई ब्रह्मचर्य बीती बैसारी। अपने महलां च केवल चार बार गए चार पुत्रां लई। पंचम बेर ना रमे गुसाई, पंचम बेर ना रमे गुसाई। चार पुत्रां लई अपने महलां च चार बार गए ने, पंजवीं वार नहीं। ऐसे ब्रह्मचर्य नूं पालन वाले
ऐसे ब्रह्मचर्य दे धारनी हन। हाँ जी, जिस को बचन करे एक बारे। तू फिर क्या भी मन टिकया होना चाहिए। आखो सतनाम श्री वाहे। केशवदास कहता ना भी जिन्हें हवन कराना वह मन टिकया होना चाहिए, डोल होना चाहिए, मन नहीं डोलना चाहिए। कलगी धर जी जे किसी बचन कर देन ना दसवें पातशाह। हाँ जी, तिस को मन टिक जाए सुखारे। बचन कर देना किसी नू, कहते जेदे नू जेनू बचन कर देने उदा भी मन टिक जांदा। आखो सतनाम श्री वाहे। जेनू कह देन जा भई तेरा मन टिक जाए, बस इन्ना ही कह देन। जेड़ा मन साधना नाल नहीं टिकदा, जेड़ा मन अपनी तपस्या नाल नहीं टिकदा, जेड़ा मन अपनी घालना नाल नहीं टिकदा, कलगी धर दे बचना नाल जे कह देन जा टिक जाए तेरा मन। इन्ने कहण नाल ही जिन्हां दे बचन नाल मन टिक जांदा, जेड़े दावा डोल होने वाले मन ने वह भी अडोल हो जाते ने। निज मन बस कर बे क्या कहिए। अपने मन नू अपने वस विच करन उहदे वास्ते तां फिर कहना है कि जिन्हां दे बचनां नाल दूजिआं दा मन टिक जांदा है, उहनां दा अपना मन टिकिआ कि नहीं टिकिआ इहदे बारे सोचना जां कहना उह तां हो ही नहीं सकदा। उहनां दा अपना मन तां आप टिके होए ने, वो तो अडोल हैं। आप स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर ने सारी दुनिया डोल सकती, सारा विश्व डोल सकता है, सारा ब्रह्मांड डोल सकता है, देवी देवते डोले ने। किन्नियां कथावां आउंदियां ने, ब्रह्मा जी डोल जांदे ने, शिव डोल जांदा है, विष्णु डोल जांदा है, पर कलगीधर पातशाह जी महाराज जी का मन सदैव ही अडोल है। दिन किसी ते उहदा मन नहीं डोलदा। हाँ जी, जनक समान वृत्ति जिन लईए। जिन्हां दी महान ज्ञान जन्या वृत्ति है और एक समान वृत्ति राज विच रहिंदिआं होइआं भी उपरामता दी वृत्ति विच हन। सतगुर दिश ते रखो भरोसा। केशवदास जी सतगुरु जी वल्लों भरोसा रखो, इधरों कोई कमी नहीं। जिन्हां ने हवन कराना ना, तू कहना कराउण वाला पूरा होना चाहिए नेमी, इधरों नहीं कोई कमी है। ए पूरी तसल्ली अपने मन विच रख ल। जिन मैं लखो आद संतोषा। संतोष आदक जितनिया बिरतियां ने मेरे सतगुरु जी दे अंदर हन। आप करो के तक दिन डेरा। हुण तुसी आप अपने बारे सोच के दसो कि तुसी करना है। कराउण वाले तां पूरे ने, तुसी करन वाले हो। हुण तुसी वेखो तुसी पूरे है हो। अपने अंदर थोड़ी जी झाती मार लो, वेख लो चंगी तरह, कोई दिन रहो इत्थे साडे कोल आनंदपुर साहिब ही डेरा रखो। कहो ना मानो ले ओ द्रिग हेरा। क्योंकि जे असी केवल कह ही रहे हाँ, तुहाडा मन नहीं मान रहा, ते कोल रह के वेख लो इन्हां नूं इह कैसे ने। तुसी आप कोल रह के वेख लो। किम सतगुर के रुख को जान। सतगुरु जी दा इस तरह रुख जान दिया होया। दया राम ने की न बखान। भाई दया राम जी ने सारे बचन कहे। श्री प्रभ कहो सिवर को कालो। महाराज जी ने भी बचन किया, केशवदास जी तुसी डेरा करो अपना आनंदपुर साहब विच। पुरकन छै को काज बिसालो। कि आउण वाले समय च असी मलेच्छा दा नाश करना है और मलेच्छा दा राज नाश करके खालसे दा प्रताप करना है। जो तुम कांखो पाखो जैसे। जो चाहते हो दसो। पूरन सब तैयारी होए तैसे। जो चाहोगे उसे तरह की तैयारी साडे वल्लों करवा दित्ती जाएगी। होत प्रात तन तुम्हें दिखावे। माया दी भी इत्थे कोई कमी नहीं है, सतगुरु गुरु नानक साहब दे खजाने हन। सकल सोज तत्काल जो तेनू समगरी चाहिदी है बेझिझक हो के लिखा दे, सारी मंगा लवांगे। अपर कहां कहिए तुम ताई। और जो तुसी कहना दस। रहो परखिया लखे सुजाई। बाकी तुसी इत्थे रहोगे ते तुहानू पता लग ही जाएगा गुरु घर बारे। केशव दास सुनत पुन कहे। केशवदास ने महाराज जी दे बचन सुने ते बोलिया। अति दो साध कर्म सब ले ओ। लगा जी बड़ा दो साधे औखा काम है जी। कोई भी बंदा कोई काम करता है ना, वो दूजे नू यही विखाएगा ये बड़ा कठिन है, बड़ा औखा काम है, इदा ही नहीं हो जाता। वो दसना चाहता भी औखा काम मैं करदा,
ये मैं ही कर सकता। उन्हें अपने उस काम की जिहड़ी वड्याई आ लोगों में उजागर करने लिए पहला दसना ये बहुत कठिन है, बहुत औखा है, ये नहीं हो सकता। हाँ जी, तुम समरथ ते सब बन आवे, पर मैं औखे तो औखा काम भी कर सकते हो। करो अकरन जथा मन पावे, जो ना होने वाला है वह भी तुसी कर सकते हो, मैं ये जानता हाँ। आची बात करो मैं डेरा, ठीक है महाराज मैं इत्थे डेरा करांगा। काज सिद्ध ए पुन बढेरा, कार्य सिद्ध हो जाए ते दे वर्गा पुन केड़ा हो सकदा है। विद तो होए तुमको जद माता, अकाल पुरख दी जड़ी शक्ति नू मैं जानदा हाँ वो विद तो होवेगी। जग तुर कान तेज पुन हाता, अरे ना मलेच्छा दा तेज प्रताप नाश होवेगा। हिंदू धर्म को है ए बारा, और महाराज जेड़ा साडा धर्म है बोधियां तिलकां वालियां दा ए धर्म उभरेगा। नाए ता जात नष्ट होए सारा, महाराज साडा सारा धर्म नष्ट हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है। इम कह बिपर बाग में आयो, इतना कह के पंडित दा जिथे डेरा कराया सी बाग विच आ गया। डेरा कर मुकाम हर खायो, डेरा करके मुकाम करके बड़ा खुश होया। उत सतगुर चाहत कृत कीना, उधर कलगी धर पातशाह जी कृत करना चाहते ने। सिद्ध मनोरथ होए तपीना, महाराज सच्ची पातशाह जी अपना मनोरथ जो खालसे पंथ दी साजना दा उनु सिद्ध करना चाहते ने। परी निसा कर खान अर पाना, रात पै चुकी भोजन प्रसादा छकिया। सुपत जथा सुख कृपा निदाना, सुख नाल महाराज अपने आसना ते विराजमान होए ने। बड़ी प्रात उठ सोच शनाने, पैर रात रहंदे अमृत वेले उठ के गुरुदेव ने सोच शनान कीता है। पैरे वस्त्र शस्त्र दुतिवाने, सोने वस्त्र शस्त्र अपने शरीर ते धारण कीते हन। दिन पत उदे पयो हर खाए, इन्ने नु दिन चढ़िया लो लग गई। सिख मसंद दास पटे आए, सिख ने गुरु घर दे मसंद सेवादार सूर में गुरुदेव दे चरणा चाए। कर पग बंदन पास थिरे, गुरु पातशाह दे चरणा ते वंदना करके नमस्कार करके बैठ गए। कलगी धर हुक्म करे, कलगी धर जी ने हुक्म कीता। बारदार गुर घर के जेते, गुरु घर दे जितने भी करिंदे ने काम करन वाले। थल मिल कर अब तुम तेते, सारे एक जगह ते कठे हो जाओ। परसों जेतक चढ़ी अकोर, परसों जितनी भी माया आई है संगत वालों जिन्निया पिटावां आईया ने, सब को करो एक थल जोर, तो सारी माया एक जगह ते जोड़ के कठी करो। आन सुनावो तन होए केता, परसों गिनती करके इस वेले किन्ना धन पिया होया। अब के मेले आयो जेता, इस वेले जोड़ मेले ते गुरु घर विच इकत्र होया। कर हुक्म मिले तब सारे, कलगी धर जी ने हुक्म महाराज जी का हुक्म सुन के सारे सेवादार करिंदे लग गए। सब अकोर को कीन शुमारे, अकोरा पिटावां दा शुमार कीता। धन 9 लाख करी मिल गिनती, जदों गिनती कीती तकरीबन 9 लाख रुपया खजाने विचों महाराज जी दे कैश निकलिया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जी दे खजाने चो प्रभ टिग पानी जोर कर बिनती, सेवादारा ने जाके हाथ जोड़ के दसिया। श्री मुख हुक्म करे ओ सुन लीजे, कलगी धर जी ने हुक्म कीता कहन लगे सुनो भाई। सकल कोश मैं जमा करी जै, सारा खजाने च जमा कर लवो। संगत अर मसंद जिस देश, बाकी होर भी जेड़ा दसवंध दी माया संगतां दे कोल जेड़े जेड़े गुरु घर दे मसंद ने, मैं आए सो लखो अशेष, जेड़े नहीं आए लैके खजाना गुरु घर दा दसवंध दा। लिखो हुक्मनामे तिन ताई, उन्हां नूं भी हुक्मनामे लिख के भेज दिओ भी उह दसवंध दी माया गुरु घर भेज देण। गुर तन सगरे देओ पुचाई, गुरु घर दा जितना धन है सिखां कोल पिया उह सारे पहुंचदा कर देण। जेतक सिख संगत अब आए, और जिन्नी सिख संगत हुण आई है, करो विसर्जन दे सिर उपाए, सारिआं नूं सिरे पाओ दे के विदा करो। सुपटन को दीजे दरमा, और जेड़े सूरमे ने उन्हां दी जेड़ी महीने दी जां 6 महीनियां दी जिन्नियां तनखाहां ने
इस माया चो ना सारिया दिया जड़िया तनखाह ने वह दियो रुखसत करो जाए करमा और जेड़े छुट्टी लेना चाहते ने सूरमे इस वेले उन्होंने छुट्टी भी दे दियो कि वह अपने घर च परिवार जिया मिला मुड़ के फिर आ जान केतक समय बसे पुनियावे अपने परिवार तो क्योंकि जड़ी फौज में मिलटरी महाराज जी की भर्ती है फौज उन्होंने महाराज जी ने कहा भी छुट्टी देनी छुट्टी देने का मतलब ऐसा सी कि कुछ समय वास्ते अपने परिवार मिला क्योंकि काफ़ी कई कई महीने तो कई अपने घर च नहीं सन गए इस करके महाराज जी कहते छुट्टी दे दियो अपने टबरां विच परिवारां च अपना समा बतीत कर लैण निज कुटुंब मैं बैस बितावे क्योंकि हाले कुछ समा जंगा युद्धां तो वेल है हुण कोई जंग युद्ध नहीं छेड़ना ते जदों लोड़ होवेगी जाएगा ऐसा नहीं कि जिहड़ियां उन्हां दियां दियां तनखाहां ने वह भी उन्हां नूं दे के भेज जिहड़ियां उन्हां दियां छुट्टियां उन्हां ने कोई महीने की छुट्टी ली जा रहा तीन महीने उन्होंने दे के भेजनिया ने ऐसा नहीं भी तुसी इन्ने महीने की तनखाह नहीं मिलनी महाराज जी कहते वह भी उन्होंने पूरा मुकर्र करके भेजो गुरदेव दे हुक्म की पालना सारे वजीरां ते मसंदां ने की सचिव मसंद खवास दीवान जिन्हें गुरु घर के नफर ने जा जिन्ने भी मसंद ने महाराज जी दे सलाहकार ने दीवान ने सुन गुर काज पए सावधान सतगुरु जी दा ए हुक्म सुन के सारे सावधान होए यथा योग मिल सब इन की योग जिवें गुरु हुक्म दी पालना सारिया ने कीती केन लेन जिस बिद को ची सारा होया रुखसद करे मेले ते संगत आई हुई सिरे पाओ दे के तिना नू रुखसद कीता एक समदाऊ बहुत सारे दान पुन लै के गुरदेव कोलों शिक्षा लै के चाहिए कारज हेत पर जेड़े सूरमे कुछ रखे भी ने सारे नू छुट्टी नहीं दिती जेड़े गुरु घर विच काम लई जरूरत सी जिन्हां दी कै सतगुर सो रखे निकेत उन्हां नूं हुक्म करके महाराज जी ने रख लिया सब बिद सुचेत होए गोसाई एदा सर्व प्रकार नाल गुरदेव सुचेत होए केशोदास कहिंदा सी भी बहुता इकट्ठ ना होवे तो गुरदेव ने इस करके संगत जिहड़ी अपने कोल थोड़ी जी समेट में रख ली सूरमे कुछ समेट में रख ले पटियो सिख दिजलीन बुलाई एदा फिर पंडित नू सदा दे के बुलाया आशिक बाद आन कर दीस उदास आया महाराज जी दे चरणा विच बैठा ते क्योंकि पंडित लोग हमेशा आसीस दिंदे है बोलिया अवनी सिंध बिच जेत कलीस लगा समुंदर बिच जितनी भी धरती है जितनी धरती समुंदर दे विच जिथे जिथे लोग रेंदे जीव रेंदे है महाराज उन्हां सारियां धरतियां ते आप जी का तेज बुलंद होवे आप जी का प्रताप बुलंद होवे नाश बिखेराव कहते जिवें ब्रिखू राशि दे विच आ के सूरज जेठ दे महीने विच बैठे हो निकट भी पर बार गुर के जेठ दे महीने एन अपना पूरा जलाल विखाउंदा ना सूरज ब्रिखू राशि हुंदी आ उस वेले ते जेठ दा महीना उदों अपना पूरा कहिंदे प्रताप विखाउंदा है एदा महाराज जी आप जी दा प्रताप सारे पासे फैले एदा कहिंदे महाराज जी केशोदास बैठ गया उचरे अपने मन दे मनोरथ सांझे कीते कहन लगे हां केशोदास जी तुसीं केड़ी समगरी चाहीदी है वह सारी लिखा दिओ हमन करन की आहुतिवारी जो आहुति देने लई समगरी तुहानू चाहीदी है वह लिखा दिओ पाचित जितक ताए ते दूनी नाले केशोदास जी जिन्नी चाहीदी है ना जिन्नी हुंदी है समगरी मिणती हुंदी है उहदे नालों दुगनी लिखा दिओ आखो सतनाम श्री वाहे इत्थे कोई कमी नहीं समगरी थोड़ी जी घट पई सी तां चंडी नहीं प्रगट हुई इस करके
दुगनी समगरी लिखा दो जिनी चाहिए वस्तते होए ना ऊनी किसी भी प्रकार की कोई ऊन ताई कोई वस्तु की कमी ना रहे। सरफे साथ कहो किछ नाई सरफा नहीं रखना सरफे नाल नहीं कहना कुछ भी जो चाहिदा दुगना लिखा दियो। कोश अतुट दी नस गुर पाई गुरु साहब दे खजाने भरे हुए ने तुसी अपनी मर्जी नाल स्वै इच्छा नाल जो समगरी तुहानू चाहिदी है दूनी कर। केशो दास विचारी तबे केशो दास ने उस वेले विचार कीती जितक प्रमाण आहुती सबे जिन्ना क प्रमाण चाहिदा सी यानी कि जिन्ना जिन्ना तोल जेड़ी जेड़ी समगरी दा चाहिदा सी तिसे अनुसार कृत जव तिले उदे अनुसार क्यो जो तेल आदक जो समगरी इन्हां दी हुंदी है उस हवन च पाउण लई तंदुल मेवा खंड सुमिले तंदुल मेवे खंड आदक पिस्ता गरी बदाम सुपारी पिस्ते गिरियां बदाम सुपारियां हारक खोपा दाख सुधारी छुआरे खोपे दाखा वो सारियां जो चाहिदियां सन धूप तुखावन केत कनी धूप तुखाउण वास्ते जिहड़ी धूप बनाई दी उहदे लई जो समगरी चाहिदी है अनेक सुगंधें चंदन सनी अनेकां सुगंधियां सहित चंदन आदक शीशे परे गुलाब सुकेरे गुलाब दे जिहड़े इत्र दियां शीशियां भर अपर गंध कनसार कनेरे चंदन आदक कनसार जेड़ा मिलाउण नू कहा सब इनको प्रमाण लिख करके सारियां दा प्रमाण लिख के जिन्नी भी ओ लिस्ट सी दी समगरी दी दयो बिपर बार कर सतगुर के सतगुरु जी नू इन्हें दित्ती है अपर बार ता कई कहाई और भी कुछ गल्लां बातां महाराज जी कोल बैठियां कईयां कहानियां प्रकार विदते जग माई दसन लगा जी इदा विदत हुंदी है माई जी सतगुरु जी नूं दस रहा महाराज जी भी इदा सुन रहे ने जिवें महाराज जी नूं कुछ पता ही ना होवे वी किवें प्रगट हुंदी है देवी चंडी सतगुरु बैठे सुन रहे पंडित वो अपने हिसाब नाल इदा दस रहा भी मैनू ही सब कुछ पता है ते कलगीधर जी उहदे सामने इदा बैठे हुए ने भी कि पंडित नूं लगे भी इन्हां नूं कुछ नहीं पता मैं ही दस रहा सारा कुछ। हाँ जी जमा बिपर की होई इन्हें अपनी पूरी तसल्ली कर ली जो इन्हू चाहिदा सी गुर समरथ कर सके सोई इन्हें भी जान लिया भी गुरु साहब समरथ ने कर सकते ने सर्ब रीत मन अपन जमायो प्रकार नाले ने अपने मन दी तसल्ली कीती जिम निश्चे चाहत तिम पायो जिवें जाए सोचदा सी ना भी कहिंदा सी भी एदां दा होना चाहिदा यज्ञ करवाउण वाला कहिंदा जी वो सारे गुण तुहाडे विच ने जो हवन कराउण वाले जां पूजा कराउण वाले जां चंडी प्रगट कराउण वाले दे अंदर होने चाहिए ने गुण महाराज वो सारे तुहाडे विच ने उर तर हरख कैत प्रभ सुनिए फिर बोलिया कहण लगा अति उत्तम विद चित मैं गुनिए कहण लगा जी एक अति विधि उक्त जिहड़ी तुहानू दसदा हां वेद उकत शास्त्रोकत सार वेदां विच जिहड़ियां उक्तियां जां शास्त्रां च लिखिया होया मैं सब खोज तरी निरतार महाराज मैं उन्हां सारिआं दी खोज कीती होई है सब पढ़े हुए ने तंत्र शास्त्र मैं विदा हजारे इक तंत्र शास्त्र हुंदा है तंत्र मंत्र जंत्र तंत्र शास्त्र जिहड़ा है ओदियां जिहड़ियां हजारां विधियां हन लाखों पढ़े श्लोक विचारे दे लखां ही श्लोक मैं पढ़े हुए ने विचारे हुए ने अग्नि आद देवता जेई हुण अपने वल्लों भी तसल्ली दे रहा भी मैं यज्ञ करन वाला भी पूरा हाँ जे तुसी कराउण वाले पूर्ण हो ते मेरे विच भी कमी कोई नहीं ये भी दस रहा नाल नाल कहिंदा ये देवते नूं प्रगट करन लई केड़ा तंत्र मंत्र पढ़ना ओ मैनू आउंदा पढ़ कर विदतावन कर सेई अग्नि देवता प्रगट करन लई किस मंत्र नू पढ़ना ओ मैं जानदा हां अब करता दुर्लभ जग होयो महाराज एदां दे वाले एदां दे मंत्रां नू जानन वाले अज दे समें च मेरे वर्गे बंदे संसार च बड़े ही दुर्लभ ने
ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਯਾ ਤੇ ਮੰਤਰ ਫੁਰਤ ਨੈ ਕੋਇਓ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਫੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜਗ ਮਾਤ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੁਮ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਰੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋਗੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਸੰਕਲਪ ਤੁਮਹਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਲੱਛਣ ਸਾਰਾ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਮਿਸਰ ਜੂ ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਰ ਜੀ ਸੁਣੋ ਹੋਏ ਸੱਚ ਅਬ ਪਾਖਤ ਜੈਸੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮਾਂ ਸਮਾਜ ਮਿਲੇ ਹੋ ਸਭ ਆਈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਜ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਜਾਏ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਕਮ ਪਾਏ ਦਿਜ ਭਰ ਨਿਜ ਡੇਰੇ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਗਮਨ ਉਹ ਚਿਤਵਤ ਚਿਤ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਚ ਚਿਤ ਬਣੀਆਂ ਚਿਤ ਬਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਰ ਮੁਖੇ ਬੁਲਾਏ ਇਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਇਹਨੇ ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੱਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆਵਨ ਹੇਤ ਸੋਜ ਸਮੁਦਾਇ ਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਕਹਿ ਗਿਆ ਪੰਡਿਤ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਮੰਗਾ ਲਓ ਤਨ ਕੀ ਹੁੰਡੀ ਨਦਰਨ ਮਈਆ ਔਰ ਹੁੰਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਤ ਚਿੰਨ ਦੇ ਕਰ ਪਠ ਜੈ ਕਈਆ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੂਰਨ ਪਟੇ ਸਕਟ ਭਰ ਲਿਆਓ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਭਾਈ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੇਵਾ ਕ੍ਰਿਤਿਆ ਦਿਕ ਸਮੁਦਾਇਓ ਚਤਰ ਬਨਜ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਚੰਗੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਏ ਕਰੇ ਖਰੀਦਨ ਜੈ ਜੈ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੰਚੈ ਸਕਲ ਵਸਤ ਕੋ ਆਏ ਏਦਾਂ ਭਾਰ ਬੰਨ ਬੰਨ ਕੇ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨਗਰ ਸਮੂਹਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਿਆਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਚੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆਏ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਤੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੋ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੱਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੋਭ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਮੱਗਰੀ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਕਸ਼ਣਾ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਦਕਸ਼ਣਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਉੱਗੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਭ ਵੀ ਉੱਗੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਵਨ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਵਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਥ ਸਾਜਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਚਲੋ ਦਕਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਕਸ਼ਣਾ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਰ ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੱਤ ਮਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਮਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਦੇਵ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਸ਼ਵ ਉਦਾਸ ਦਾ ਪਖੰਡ ਵੀ ਉਘੇੜਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚੰਡੀ ਸਦੈਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਹੈ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
वाहे गुरु वाहे गुरु।